जय हिंद एवरीवन। भी कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 2019 वाला एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है। 23 तारीख, 30 तारीख और 6 तारीख को एग्जाम कराया गया। 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त को एग्जाम था। 3 दिनों के अंदर वो एग्जाम हुआ, वीक वाइज एग्जाम चला, एग्जाम हो चुका है। तो अभी तक जो अप्रॉक्सीमेटली डेटा मेरे पास है, जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की, जितना भी मैं एग्जाम को एनालाइज कर पाया, एग्जाम के लेवल को देखने के बाद, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखने के बाद एंड जो लोग एग्जाम देने गए थे उसके हिसाब से, अगर मैं बात करूँ एग्जाम में प्रेजेंट होने वाले स्टूडेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख के बीच का बच्चा ही एग्जाम देने गया है, बाकी बच्चे एग्जाम देने नहीं गया था। तो उसमें से अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि ऐसा बहुत ज़्यादा टफ आया हो, तो कट ऑफ लगभग अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो 75 के आसपास मुझे लग रहा है, 75 के आसपास वाले जो हैं वो एक सेफ स्कोर की तरफ है और वो लोग डेफिनेटली आगे अपनी टाइपिंग एंड ऑल की तैयारी स्टार्ट कर दें। टाइपिंग के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली वो हेल्प करने को तैयार हूँ। बाकी 75 इज़ अ गुड स्कोर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 75 एक अच्छा स्कोर है आपको टाइपिंग में बुलाने के लिए। एंड जितने भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे 90 आ रहे थे, मेरे तो 95 आ रहे थे, वो आप एक अटेम्प्ट करके आए हो, बट आप जब उसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट करोगे डेफिनेटली स्कोर कम होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आप भी एग्जाम देकर आए, तो आप अपना स्कोर अटेम्प्ट मुझे जरूर शेयर करें कमेंट के अंदर, ताकि मैं उसको और एनालाइज कर पाऊं और बाकी आंसर की के टाइम पर हम बिल्कुल और ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करके भी कट ऑफ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी एग्जाम के हिसाब से कट ऑफ जो है वो 75 के अप्रॉक्स देखने से लग रही है। बाकी आप बताइए आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।